हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक को देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात कर चुके हैं अभी तक राजपूत वंश के बारे में, ठीक है। अब इसमें बात करनी है हमें दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी सामान्य ज्ञान से संबंधित लेक्चर ख़त्म होते जा रहे हैं, वो सामान्य ज्ञान के नाम से आपकी जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं, ठीक है। तो यह दक्षिण भारत के राजवंश, तो सबसे पहले बात करते हैं पल्लव वंश के बारे में। किसके? पल्लव वंश के बारे में। तो पल्लव वंश में शासक हुए प्रमुख वप्पदेव, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो याद रखना है, पल्लव राजवंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा था। पल्लव राजवंश का संस्थापक वप्पदेव तीसरी चौथी सदी में था, ठीक है। किसने की? वप्पदेव ने। याद रखिए, पल्लव वंश का संस्थापक वप्पदेव था। वप्पदेव ने आंध्र प्रदेश एवं तोंडे मंडलम पर शासन किया। सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी तक को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सिंह विष्णु को अन अवनी सिंह तथा सिंह विष्णु पोतरायन के नाम से भी जाना जाता है। सिंह विष्णु द्वारा चोलों की पराजय का वर्णन वेलूर पालयम ताम्रपत्र से मिलता है। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय 600 से 630 ईस्वी पल्लव चालुक संघर्ष आरंभ हुआ था। महेंद्र वर्मन प्रथम एक महान निर्माता और कवि एवं संगीतज्ञ था। उसने मत विलास फैशन की रचना की। मत विलास फैशन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। महेंद्र वर्मन प्रथम ने विचित्र मत विलास एवं गुणधर उपाधियां धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली इसने। महेंद्र वर्मन ने शैव धर्म, शैव संत अपर के प्रभाव से जैन धर्म त्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया। महेंद्र वर्मन ने महेंद्रवाड़ी और चित्त में एक तालाबों का निर्माण कराया था। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित होना पड़ा। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम। ये रहा है आपका 630 से 668 तक। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने 3 युद्धों में पराजित किया। ये वर्णन में है कुर्रम अभिलेख के अनुसार, ठीक। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर विजयाक्षय अंकित किया तथा विजय स्तंभ का निर्माण वातापी में कराया। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड महामल्ल की उपाधि धारण की थी। याद रखिए, नरसिंह वर्मन की पराक्रमी सेना सीतोंड था। सेनापति कौन था? सीतोंड। महाबलीपुरम के कुछ एकाश्म रथों का निर्माण का कार्य नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ। नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री हैंसांग कांची आए थे। नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख कासकुड़ी ताम्रपत्र में तथा महावंश में मिलता है, ठीक है। आगे बात करें, चालुक्य विक्रमादित्य क्या? चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन ने पराजित किया था, ठीक। परमेश्वर वर्मन था, ये शैव धर्म का अनुयायी था। परमेश्वर वर्मन ने रणजय लोकादित्य अत्यंत काम औग्रदंड गुणभाजन एवं विद्या विनीत की उपाधियां धारण की। किसने? परमेश्वर वर्मन ने। मामल्लपुरम में परमेश्वर वर्मन ने गणेश मंदिर बनवाया था।
मम्मलपुरम में परमेश्वर वर्मन ने पिथम ने गणेश मंदिर बनवाया था। ठीक, बात करते हैं कांची का कैलाश मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट पर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। याद रखना है कांची का कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है, क्योंकि पूछ लेता है कई बार। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय की उपाधियाँ धारण की थी। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज्यसभा में रहते थे। वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। ठीक है, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। याद रखना कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमरगई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन था। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य दंती वर्मन पल्लव शासन शासक के समकालीन था। पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया। याद रखना है इस पॉइंट को। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? कंफ वर्मा, 948 से 980 ईस्वी तक। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। दस कुमार चरित तथा काव्यादर्श के लेखक दंडी थे। दस कुमार चरित और काव्यादर्श के लेखक दंडी थे। पल्लव शासकों के अधिकांश लेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कांदरा शैली भवन निर्माण कला को महेंद्र वर्मन ने प्रचलित किया। सप्त पैगोडा पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए रथ मंदिरों को कहा जाता है। याद रखना कांची का कैलाश मंदिर राजसिंह शैली में बना था। कांची का कैलाश मंदिर राजसिंह शैली में बना था। आगे बात करें हम लोग। अब ये आपकी पता है, ये हैं पल्लव काल में जो मंदिर बने उनकी शैलियाँ, पल्लव कला एवं वास्तुकला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कहते हैं द्रविड़ शैली। पल्लव के नेतृत्व में द्रविड़ शैली का विकास चार चरणों में हुआ। कौन सी? महेंद्र शैली। इसके अंतर्गत कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ, जिन्हें मंडप शैली या मंडप कहा जाता है। इसमें जैसे कोंडा मंदिर, अनंतेश्वर मंदिर। ठीक, फिर आता है आपकी नरसिंह शैली। कौन सी? नरसिंह शैली, ये मामल्ल शैली भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल के काल में हुआ। इसमें रथ या एक शिलाखंडीय एकास मंदिर है जो मामल्लपुरम में पाए जाते हैं। ये सप्त पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं, किंतु वास्तव में आठ हैं। धर्मराज, अर्जुन, भीम, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिदारी एवं वलायन कुटीर। ठीक है, फिर आती है आपकी राजसिंह शैली। कौन सी? राजसिंह शैली। इसके अंतर्गत गुहा मंदिरों का स्थान पर पाषाण ईंट की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण किया गया। इस शैली का प्रयोग नरसिंह वर्मन सेकंड ने किया था। ठीक, महाबलीपुरम का तट, ईश्वर तथा मुकुंद मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर एवं इरावतेश्वर मंदिर राजसिंह शैली के हैं। ठीक है, याद रखिए। फिर आपका नंदी वर्मन शैली। इस शैली के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटे मंदिर निर्मित हुए। इसका प्रयोग नंदी वर्मन सेकंड ने किया, जैसे कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर आदि। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग बादामी या वातापी के चालुक्य। बादामी या वातापी के चालुक्य। बादामी के चालुक वंश की स्थापना पुलकेसिन प्रथम ने की। याद रखिए हर वंश का पहला शासक जिसने स्थापना की
और जो उनमें महान हुए उन्हें याद रखा करिए और अंतिम को याद रखिए, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बादामी के चालुक वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की। महाकूट अभिलेख में पुलकेशिन फर्स्ट ने से पूर्व दो शासकों जयसिंह तथा रण राम के नाम मिलते हैं। पुलकेशिन फर्स्ट ने अश्वमेध यज्ञ किया था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने गोवा को जीतकर उसका नाम खेत द्वीप रखा था। ठीक, कीर्तिवर्मन प्रथम ने बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम दो यज्ञों को संपन्न करवाया। पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक चाचा मंगलेश था। संरक्षक कौन था? मंगलेश, उसका चाचा मंगलेश। आगे बात करें, पुलकेशिन द्वितीय 610 ईस्वी में चाचा मंगलेश को हराकर शासक बना। पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मीपुरी हाथियों का द्वीप जो कोंकण तट पर था को कहा जाता है, हाथियों का द्वीप। ठीक है, हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिण का स्वामी स्वीकार किया। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराकर मार डाला। फारस के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में पुलकेशिन द्वितीय ने शिष्टमंडल भेजा था। पुलकेशिन द्वितीय के समय हेनसांग चीनी यात्री दक्षिण भारत आया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याशय एवं श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याशय श्रेय और श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय को मारने के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की। ठीक है, फिर विनयादित्य द्वितीय ने शक्लोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची कुंड की उपाधि धारण की थी। पांडवों चोलों केरों तथा कल्भों को विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया था। त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रिलोक महादेवी ने कराया था, याद रखिए। आगे बात करते हैं, पट्टदकल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने कराया था। ठीक, फिर आगे बेंगी आंध्र के पूर्वी चालुक बेंगी के चालुक वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन ने 615 से 633 ईस्वी तक शासन किया। विष्णुवर्धन भागवत धर्म का अनुयायी था। किसका? भागवत धर्म का अनुयायी था। विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग कि बेंगी के चालुक वंश की राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ आपका विजयादित्य द्वितीय। ये रहा आपका 848 से 892 तक। ठीक है, विजयादित्य द्वितीय ने स्वयं को दक्षिणापद का महान शासक घोषित किया। राष्ट्रकूट पल्लव एवं पांडवों को विजयादित्य ने पराजित किया। ठीक है, फिर आपका कल्याणी के चालुक वंश का संस्थापक तेलब द्वितीय था। ये रहा आपका 973 से 997 तक। तेलब द्वितीय ने अश्वमल और भोवनेकमल की उपाधि धारण की थी। मैरुतुंग कृत प्रबंधन चिंतामणि से ग्राहत होता है कि तेलब द्वितीय ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया किंतु प्रत्येक बार पराजित हुआ। ये सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बना। उसने अपनी राजधानी मानखेत से कल्याणी में स्थानांतरित की। चोलों से पराजित होने के कारण सोमेश्वर प्रथम ने करुवती के पास तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। कल्याणी के चालुक वंश का महानतम शासक हुआ विक्रमादित्य।
षष्ठ, ये रहा है आपका 1076 से 1126 तक। विक्रमांक देवचरित के लेखक थे विलहड़, ठीक है, विलहड़, और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। चालुक्य विक्रम संवत, विक्रमादित्य षष्ठ ने 1076 में प्रारंभ किया था, ठीक। मानसोल्लास और अभिलाषितार्थ चिंतामणि की रचना सोमेश्वर तृतीय ने की थी। चालुक्य का पारिवारिक चिन्ह था वराह, ठीक है, चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह क्या था, वराह। विक्रमादित्य षष्ठ के बाद सोमेश्वर तृतीय बना शासक, ये रहा है 1126 से 1138 तक। वह स्वयं बड़ा विद्वान था। सोमेश्वर तृतीय ने भूलोकमल तथा त्रिभुवनमल जैसी उपाधियां ग्रहण की। इस वंश का अंतिम शासक हुआ तेलक तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ, ठीक है। फिर आपके आ गया चोल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण वंश है चोल, ठीक है। इन्होंने चोल में बात करें हम लोग, चोल वंश, तो इसमें सबसे पहले विजयालय आया, ये रहा आपका 846 से 871 तक। फिर आदित्य प्रथम, ये आपका 871 से 907 तक। फिर है परांतक प्रथम, 907 से 953 तक, ठीक है। फिर इसके बाद तीन शासक हुए, राजादित्य प्रथम 947 से 949, गडरादित्य 949 से 957 तक। इसके गणरादित्य के एक नीचे एक और राजा हुआ मधुरांतक उत्तम। फिर परांतक में परांतक प्रथम के बाद तीसरा शासक था अरिंजय, एरा 956 से 957 ईस्वी। इसके बाद आया परांतक द्वितीय, जे रा 956 से 973। इसके बाद दो शासक हुए, आदित्य द्वितीय या कारिकाल द्वितीय 956 से 969, और राम प्रथम 985 से 1016 तक। राज राम प्रथम के बाद आया आपका राजेंद्र प्रथम, और ये रहा 1012 से 1044 तक। और राज राम के बाद एक दूसरा शासक और हुआ, पुत्री कुंदब्बा पूर्व चालुक्य राजा विक्रमादित्य से विवाह हुई थी इसका, ठीक है। राजेंद्र प्रथम के बाद आया आपके पुत्री इसकी अमंग देवी, पूर्वी चालुक राजराज प्रथम से विवाह हुआ इसका। दूसरा था राजाधिराज युवराज, ये 1018 से 1044 तक रहा, और राजा रहा है 1044 से 1063 तक। राजेंद्र देव द्वितीय, और तीसरा था चौथा वीर राजेंद्र, ठीक है, ये 1052 से 1064 तक, और 1063 से 1069 तक। इसमें आपके अमंग देवी के बाद हुए राजेंद्र तृतीय, कुलोत्तुंग चाले प्रथम, ठीक है, 1070 से 1122 तक। और राजेंद्र द्वितीय के बाद हुए राजमहेंद्र 1060 से 1064 तक। इसकी पुत्री मधुरांत की पूर्वी चालुक राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग प्रथम विवाहित, ठीक है, वीर राजेंद्र के बाद हुए अधिराजेंद्र, और इसकी पुत्री कल्याण के विक्रमादित्य षष्ठ से विवाहित किया था, ठीक। फिर राजेंद्र तृतीय के बाद, राजेंद्र तृतीय के बाद शासक हुए राजराज बेंगी का राजा प्रतिनिधि, मोमदी चोल बेंगी का राज प्रतिनिधि, वीर चोल बेंगी का राज प्रतिनिधि, विक्रम चोल, ये विक्रम चोल रहा है आपका 1118 से 1135 तक। फिर उसके बाद कुलोत्तुंग आया चोल सेकंड, ये 1133 से 1150 तक। फिर उसके बाद हुआ आपका राज द्वितीय 1146 से 1176। उसके बाद उसका चचेरा भाई राजाधिराज द्वितीय 1163 से 1171। फिर उसका उत्तराधिकारी हुआ कुलोत्तुंग से थर्ड 1178 से 1218। फिर राजेंद्र चतुर्थ
1218 से 1246 तक तथा 1246 से 1279 तक। ठीक है, तो ये थे आपके चोल। अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें भी याद रख लेते हैं हम लोग। चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के तेरहवें शिलालेख में मिलता है। प्रारंभिक चोलों की राजधानी तंजौर थी। परवर्ती चोल वंश का संस्थापक विजयालय था 850 ईस्वी में। विजयालय पल्लवों का सामंत था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि भी धारण की। विजयालय चोल ने तंजौर में दुर्गावती का मंदिर तथा नत्तामलाई में विजय चोलेश्वर मंदिर बनवाए थे। ठीक है, परांतक प्रथम ने पांडव शासक राज सिंह को हराकर मदुरे कौंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने हराया था। चोल शासकों की प्रशासनिक इकाइयाँ देख लेते हैं। मंडलम प्रांत को कुट्टम कमिश्नरी, नाडू जिला, कुट्टम ग्रामों का संघ। ठीक है, राज प्रथम का वास्तविक नाम था अरमौली वर्मन। राज का प्रथम नाम क्या था? अरमौली वर्मन। राज प्रथम की प्रमुख विजय केरल, पांडव, श्रीलंका तथा मालदीप थी। राज प्रथम ने कांडलूर, साले, कलमरूत तथा शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। राज प्रथम ने श्रीलंका के महेंद्र पंचम को हराया था। राज ने उत्तरी श्रीलंका में चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया। इसका नाम मुंडी चोल मंडलम था। ठीक है, राज ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलोनारो को राजधानी बनाया। इसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। चोलों की नौसेना सर्वाधिक मजबूत थी। अपने राज्य की समस्त भूमि की माप राज प्रथम ने करवाई। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण, याद रखना है इसे, तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने कराया था। ठीक है, आगे बात करें। राज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजय तुंग वर्मन को नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी थी। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम ने बंदी बनाकर लाया था। ठीक है, श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। गंगा घाटी की विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में बनाई थी। दक्षिण पूर्व एशिया, मलय प्रायद्वीप, जावा सुमात्रा की विजय राजेंद्र प्रथम ने की थी। ठीक, राजेंद्र प्रथम के समय श्री विजय साम्राज्य का शासक संग्राम विजय तुंग वर्मन था। अंडमान निकोबार, अराकान, पेगू को राजेंद्र प्रथम ने विजित किया, याद रखना। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने 1016 और 1033 ईस्वी में राजदूत मंडल चीन भेजे थे। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल विजय के उपरांत 16 मील लंबा चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण कराया था, याद रखना। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम ने से इंद का निर्मलहार राजेंद्र प्रथम ने छीना था। राजाधिराज प्रथम ने कल्याणी विजय के बाद विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। एतगिरी में विजय स्तंभ राजाधिराज प्रथम ने बनवाया था। ठीक, एतगिरी में विजय कौंड की उपाधि राजाधिराज प्रथम ने धारण की थी। राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर को पराजित कर अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया था। ठीक, वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को हराकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया था। दस सौ 1068 में सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा
नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। कुलोतुंग प्रथम ने 72 सौदागरों का दूतमंडल 1077 ईस्वी में चीन भेजा था। कलिंग के विद्रोह को कुलोतुंग ने दबाया था। कुलोतुंग प्रथम को अन्न सुर्गम तरवित के नाम से जाना जाता है, करों को हटाने वाला। चिदंबरम के मंदिर एवं श्री रंगम की समाधि कुलोतुंग प्रथम ने बनवाई थी। ठीक, फिर आगे है जय गुंदार, कौन सा? जय गुंदार कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। कलिंग तुफर्णी की रचना जय गुंदार ने की थी। कम्बल द्वारा लिखित तमिल रामायण की रचना कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल में की गई। आदित्य प्रथम ने कुन्नूर का बाल सुब्रह्मण्यम मंदिर तथा कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर बनवाया था। दारासुरम के इरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज द्वितीय ने करवाया। विक्रम चोल की उपाधि त्रयाग समुद्र की थी। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुआ। याद रखना। चोल साम्राज्य का अंत 1279 में पांडव नरेश कुलशेखर ने किया। सदैव राजा के पास रहने वाले उच्चाधिकारियों को ओडन कूटम कहा जाता था। विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। समतियों की वारियम कहा जाता है, समतियों को वारियम कहा जाता था। मणिग्रामम तथा कलिंजियर व्यापारिक संगठन थे। इस समय राजद्रोह को भयंकर अपराध माना जाता था। सम्राट की रक्षा के लिए प्राण निछोभर करने वाले सैनिकों को वलिककारर कहा जाता था। शैव धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय था इस समय। शैव धर्म के भक्ति गीत नम्मी अड्यार नामी में ने लिखे थे। राजेंद्र प्रथम के गुरु ईशान शिव सर्व शिव थे। वशिष्ठा द्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। ठीक है, आगे बात करें। राजराज प्रथम की बहन कुंदेवे ने एक ही स्थान पर शैव विष्णु जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। चोल काल में वैष्णव लेखकों ने अपने ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे। अमृत सागर तथा बुद्धिमित्त जैसे जैन एवं बौद्ध भिक्षुओं को चोल शासकों ने संरक्षण दिया। को रंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनवाया था। चोल काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाते थे। चोल शासक समुद्री शक्ति के लिए विख्यात थे। चोल काल की प्रमुख भाषा संस्कृत एवं तमिल थी। लिंगायत समुदाय की स्थापना वासव ने की थी। नयनार संत शिव के उपासक थे। अलवार संत विष्णु के उपासक थे। अन्न का मान एक कलम तीन मन था। सोने के सिक्कों को कासु कहा जाता। बेली भूमिमात की इकाई थी। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वरित पोतराक कहलाता। सेना की छावनियों को कड़गम कहा जाता था। सेना की टुकड़ियों के प्रमुखों को नायक तथा सेनाध्यक्ष या प्रधान सेनापति को महादंड नायक या सेनापति कहा जाता था। सेना के प्रमुख अंग धनुर्धर को विल्लगल, गजारोही को कुजिर मल्लर, घुड़सवार को कुड़ी रिचे वगर तथा पैदल सेना को बड़पोई के कोलर कहा जाता था इस समय। ठीक है, बात करें चोल अभिलेखों में उल्लिखित करों के नाम। एक करों के नाम हो गए, संबंधित क्षेत्र हो गए आयम राजस,
कड़ी में लगान, मर मज्जाड़ी व्यक्त कर, किड़ा कासु नर पशुपल, नर पशुपल लगने वाला कर। ठीक है, फिर आपका पड़ी कावल, पड़ी कावल एक गांव की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर था। वालितिमम द्वार कर, मनीरे भवन कर गृह कर, कड़ेरे दुकान पर लगने वाला कर, अजीब वक वक कासु अजीबकों पर लगने वाला कर, फेवरी तिलियों से लिया जाने वाला कर। फिर आपका माँ गन में कुम्हार लोहार सोनार आदि से लिया जाने वाला कर। ठीक है, चोल शासकों द्वारा निर्मित कराए गए मंदिरों की बात करें, ये राजा, ये स्थान है और ये मंदिर। ठीक है, चोल शासकों द्वारा निर्मित कराए गए मंदिर, ये राजा है, ये स्थान है जहाँ हुए हैं और ये मंदिर है। विजयालय, नर्तमलाई चोलेश्वर मंदिर, आदित्य पीथम कुंभकोणम नागेश्वर मंदिर, आदित्य पीथम कन्नूर, बाल सुब्रमण्यम मंदिर आदित्य पीथम, तिरुक्कट्टले सुंदरेश्वर मंदिर परांतक पीथम, श्रीनिवास नल्लूर कोरंग मंदिर राजराज पीथम, तंजौर राजराजेश्वर मंदिर राजराज पीथम, तन्नवेली विरुवाली सुरम मंदिर। ठीक है, फिर राजराज द्वितीय दारासुरम मंदिर, दारासुरम में इरावतेश्वर मंदिर है आपका ये। ठीक है, फिर है आपका कुलोत्तुंग तिथि है, ये त्रिभुवन में कंप हरेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, ये थे आपके मंदिर। अब बात करें हम लोग चोल जो राजा हुए, शासक हुए, उनकी उपाधियों की। ये राजा हैं, ये उन्होंने उपाधियां धारण की, तो परांतक प्रथम मधुरे कोंड, राजराज प्रथम ने राजकेसरी, अरुमोली मुमाड़ी चोलदेव, चोल मर्तंड जयगोंड, कांडलूर साले कलमरूत, ये सभी राजराज प्रथम की उपाधियां थीं। राजेंद्र प्रथम गंगई कोंड चोल, गंगई कोंड चोल, मुड़ी गुंड चोल, कदार नगोंड पंडित चोल। ठीक है, ये राजेंद्र प्रथम की थी। फिर आपका कुलोत्तुंग प्रथम सोडगम तरबीत चोल, कटे कोंड चोलम मने नडू और कोंड चोलम, ये थी कुलोत्तुंग प्रथम की उपाधियाँ। ठीक है, फिर आपके मदुरे के पांडव क्या है, मदुरे के पांडव, पांडव शासक परवर्ती पांडव वंश की स्थापना कंडुगु गोन ने 590 से 600 ईस्वी ने की थी, इसने 590 से 620 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, कंडू कौन गोन मलयादी कुरीची में चट्टान काटकर जयंत वर्मन ने गुफा मंदिर बनवाए। श्री मार श्रीवल्लभ एक पराक्रमी तथा साम्राज्यवादी शासक था इस समय। अनंत पांडव साम्राज्य को पल्लव शासक ने तुंग ने विजित कर लिया। 1310 में अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कपूर ने पांडव राज पर आक्रमण कर मदुरा को लूटा तथा ध्वस्त कर दिया। उसके बाद आपका देवगिरी के यादव आए, देवगिरी के यादव वंश, देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक था भिल्लम, भिल्लम चालुक शासक सोमेश्वर चतुर्थ का सामंत था। भिल्लम ने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई। उसने 1187 से 1191 तक शासन किया। भिल्लम के बाद उसका बेटा जेतुंगी राजा बना। महान खगोल शास्त्री भास्कराचार्य का पुत्र लक्ष्मीवर जेतुंगी का दरबारी कवि था। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ राजा सिंघन। उसने 1210 ईस्वी से 1247 तक शासन किया। सारंगदेव का संगीत रत्नाकर सिंघन के दरबार में लिखा गया है। वाराय मिहिर के बिहजातक पर आनंद देव ने टिप्पणी लिखी। वृत्त खानदा का लेखक हेमाद्री महादेव के दरबार में रहता था।
देवगिरी क्या है? देवगिरी को 1300 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित कर लिया गया। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था रामचंद्र। सिद्धांत शिरोमणि तथा करण कोतूहल की रचना भास्कराचार्य ने की थी, ठीक है, याद रखिए। फिर है आपका द्वार समुद्र के होयसल वंश। होयसलों का मूल क्षेत्र मैसूर के गंगवाड़ी पहाड़ी क्षेत्र में था। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल यादव वंश के संबंधित थे, अपने को चंद्रवंशी मानते थे ये लोग। होयसलेश्वर के मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन के शासनकाल में हुआ। बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक हुआ वीर बल्लाल द्वितीय। 1310 से 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक खपूर ने होयसल वंश के शासक बल्लाल द्वितीय को पराजित किया। बल्लाल द्वितीय ने अलाउद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया और उसने 1339 ईस्वी तक अलाउद्दीन के करत के रूप में शासन करता रहा। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है? हलेवेड, कर्नाटक, ठीक है। फिर आया आपका कदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। मयूर शर्मन ने लगभग 345 ईस्वी से 360 ईस्वी तक शासन किया। कदम शासकों की राजधानी बनवासी थी। इसकी दूसरी राजधानी थी वालासिका। मयूर शर्मन का उत्तराधिकारी मृगेश वर्मन। वाला सिका में मृगेश वर्मन द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया मयूर शर्मन की स्मृति में। मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराने वाला कहा गया है। कदम वंशी शासकों की वंशावली हमें एकमात्र ताल गुंड स्तंभलेख से ज्ञात होती है, ठीक है। आगे बात करें हम लोग। फिर हुआ आपका गंग वंश। कौन सा? गंग वंश। गंग वंश की स्थापना कोंकड़ी वर्मा ने की थी। कोंकड़ी वर्मा का समय लगभग 400 ईस्वी माना जाता है। गंग वंश का शासन आधुनिक मैसूर के दक्षिण गंगवाड़ी क्षेत्र में था। माधव प्रथम ने दत्तक सूत पर टीका लिखी थी। गंग शासक श्री पुरुष ने अपनी राजधानी मान्यपुर में बनाई। श्री पुरुष 728 से 788 तक शासन किया इसने श्री पुरुष ने। फिर आ गए आपके वारंगल के काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक वेद प्रथम था। काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। पोल द्वितीय काकतीय शासक ने अपने को चालुक्यों से स्वतंत्र घोषित किया। अनुमा कोंडा के 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण रुद्रदेव ने कराया था। इसकी राजधानी अमकोंड थी। ओरुगल्लू आधुनिक वारंगल नामक नया शहर रुद्रदेव ने बसाया था, ठीक। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ गणपतिदेव। गणपतिदेव ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित की। रुद्रांबा देवी गणपति की पुत्री थी। गणपति के बाद रुद्रांबा काकतीय राज्य की शासिका बनी, ठीक। 1323 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने प्रताप रुद्रदेव के राज पर आक्रमण किया। प्रताप रुद्रदेव पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया और काकतीय राज दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। नीति शास्त्र मुक्तावली वद्देना ने लिखी थी, ठीक है। नीरव चनुत्र रामायण तिक्काना ने लिखी थी। काकतीय राज में कालामुख तथा पाशुपत धर्म प्रचलित था। अप्पाचार ने वित्तीय स्था साल लिखी थी, ठीक है। अब बात कर लें प्रसिद्ध विद्वान उनके संरक्षक, इस समय के प्रसिद्ध विद्वान और उनके संरक्षक, ठीक।
तो ये थे उदयराज विद्वान, और इसके संरक्षक था गुजरात का महमूद बेगड़ा, हेमचंद कुमारपाल, नागार्जुन कनिष्क, अमर सिंह, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, फिर वाकपति राज, कन्नौज का यशो वर्मन, फिर भवभूति, कन्नौज का यशो वर्मन, हरिसेन, समुद्रगुप्त, राजशेखर, महेंद्र पाल और महीपाल, गुर्जर प्रतिहार, सोमदेव पृथ्वीराज तृतीय, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वाणभट्ट हर्ष दंडी, नरसिंह वर्मन पल्लव, भैरवी सिंह विष्णु पल्लव। ठीक, फिर है आपका गुडांडय एहाल सादवान, महावीराचार अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, जिनसेन अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, साक्टायन अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, जयदेव लक्ष्मण सेन बंगाल, विलहड विक्रमादित्य षष्टम। यह प्राचीन काल के प्रमुख विद्वान, ठीक है, याद रखिए। और ज्ञानेश्वर आपका विक्रमादित्य षष्टम, लक्ष्मीधर गोविंद चंद, कन्नौज शासक था ये, श्रीहरस जयचंद, कलहड़ हरस, फिरदौसी महमूद गजनबी, अमीर खुसरो, वलवन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक रहे, ये प्रमुख विद्वान हैं इतिहास में और उनके संरक्षक। अब बात करते हैं राजाओं की उपाधि, तो हर्ष की बात करते हैं, ये राजा हो गए, ये उपाधि है उनकी। हर्ष राजपुत्र शिलादित्य, महेंद्र वर्मन प्रथम ने विचित्र चित्त, नरसिंह वर्मन तृतीय, राज सिंह, भोज आदिवराय मेहर भोज, इसकी उपाधि थी। फिर है आपका देवराय, देवराय द्वितीय, गज बेटकर इमादी, देवराय फोर्ड देवराय आदि, कृष्ण देवराय विजयनगर, तो इसने आंध भोज, आंध पितामह, यवन राज स्थापना चार, अभिनव भोज की उपाधियां धारण की। आदित्य प्रथम चोल मदुरई कुंड, राजेंद्र द्वितीय चोल कुलोत्तुंग चोल, विक्रम चोल त्रयाग समुद्र अहलंका कुषाण देवपुत। तो चलिए, ये थे आपके, हम लोगों ने बात कर ली है दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। आगे से हमें बात करनी है अब भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है।